Hello everyone, myself Siddharth Sherpa back again with today's SST classes. So as you all know, we were covering this topic, that is chapter 2 of your history, Socialism in Europe and the Russian Revolution. So previous class mein hum log ne ye dekhe the ki we understood what is socialism, ab puri tarike se to samjhe nahi, lekin ek insight mil gaya tha ki socialism kya hai, thoda introduction mil gaya tha uska Russian Revolution se kya relation hai. और हम लोग ने पिछले क्लास में ये भी देखे कि इन व्हाट वे डिड फ्रांस और द फ्रेंच रेवोल्यूशन हेल्प द कॉजेस इन अदर यूरोपियन कंट्रीज, यानी कि फ्रांस में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी उसने अदर कंट्रीज में क्या इन्फ्लुएंस किया, ये हम लोग ने देखे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक क्या दिया था बेटा, एक पॉसिबिलिटी दिया था कि दैट द सोसाइटी वॉज चेंजिंग और द सोसाइटी वुड चेंज, दैट वॉज द मेन मोटिव ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. एंड यूरोप में क्या था बेटा कि यू ऑल नो दैट यूरोप वॉज स्ट्रक्चर इन सिमिलर वे इन ऑल द यूरोप वॉज एक ही प्रकार से स्ट्रक्चर्ड थे, मतलब स्ट्रक्चर मतलब एक ही प्रकार से बनी हुई थी. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया था, एक चिंगारी लगा दिया था, बस अब आग पकड़ने की देरी थी. यस, सो नाउ वील मूव टूवर्ड्स द अदर टॉपिक्स इन टूडेज क्लास. लेकिन हम लोग ने उससे पहले यह भी देखा था बेटा कि मैंने चैप्टर इसमें एंड किए थे कि there were certain political trends that were rising in the European societies. तो यानी कि social change हम लोग ने देखे था. Yes, हम लोग ने society में एक societal level पे एक changes आना शुरू कर दिया था, यानी कि there were some changes were coming. That means अब फिर मैंने change के बारे में बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था कि change is nothing, change is something that every person is not, it's not possible कि सारे person का एक ही perspective हो, एक ही नजरिया हो change के प्रति. चेंज कैसा होना चाहिए, सबके नजर में एक नहीं होता है बेटा, कोई किसी तरीके से सोच रहा है, कोई तीसरे तरीके से सोच रहा है, कोई चौथे तरीके अलग हो सकता है. तो उसी के आधार पे हम लोग ने देखा था कि देयर वर थ्री डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स दैट वांटेड टू चेंज द सोसाइटी, दैट वाज द लिबरल्स, रेडिकल्स एंड द कंजर्वेटिव्स. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस थ्री पॉलिटिकल ट्रेंड्स दैट वाज दैट एग्जिस्टेड इन द यूरोपियन सोसाइटी. तो यूरोपियन सोसाइटी में फ्रेंच रेवोल्यूशन को देख के वहां के सोसाइटी ने क्या सोचा था कि भाई फ्रेंच बदल सकता है तो हम लोग क्यों नहीं, लेट्स गिव इट अ ट्राई, यानी कि एक ट्राई देते हैं. यस, तो ऐसे लोग नाउ एमर्ज होने लगे सोसाइटी में, जिसको रेडिकल्स बोलते थे या जिसको लिबरल्स बोलते थे. और ये लोग ने कैसे सोसाइटी को इन्फ्लुएंस किया या ये लोग ने किस प्रकार से सोसाइटी को चेंज किया, चलिए आइए देखते हैं उनकी आइडियोलॉजी. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग रेडिकल्स, liberals, radicals and the conservatives. So let's move towards the liberals. So now when we talk about the word liberal, so we get an idea somewhat like free, khula soch wale, ya khuli soch wali, ya khule soch wale. Ab you think in whatever way, tum log bhi sochne ke liye apna dimag khol sakte ho, theek hai, that means that is liberal. Okay, to hum log kisi bhi angle se samajh sakte isko, ek free ideology follow karne wale log. So liberals wanted a nation which tolerated all religions. One of the most important thing is that liberals society ke aise group the jo ki change chahte the, they wanted change. And ab change fir main bol raha hu, change yahan pe ek cheez ye hai beta ki change fir baat aata hai ki sabke nazariye pe change alag alag hote. Ab liberals change chah rahe the lekin wo unke aadhar pe, matlab unke soch pe kya chah rahe hai चेंज सारे, वो अपने आइडियोलॉजी, यानी कि लिबरल जो था बेटा ये एक ग्रुप ऑफ या पॉलिटिकल ग्रुप थे जो कि अपने आइडियोलॉजी पे क्या करते थे, विश्वास रखते थे. ठीक है, तो लिबरल्स अपने आइडियोलॉजी पे विश्वास रखते थे. अब उनके आइडियोलॉजी के हिसाब से सबसे पहला बात तो ये था, लिबरल्स वॉन्टेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजियंस. दैट मीन्स, डिड आई मिस सम लाइन, आई थिंक यस, वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम European states usually discriminated in favor of one religion or another. Britain favored the Church of England. Austria and Spain favored the Catholic Church. तो यानी कि ये सबसे पहले liberals क्या चाहते थे कि they wanted a society that should be tolerant towards everyone. यानी कि every religion के प्रति क्या हो, tolerate करे, सबको क्या दे, importance दे, किसी religion को support करके अलग religion को discriminate नहीं करनी चाहिए, सोसाइटी चाहिए थे वो लोगों को. ठीक है, तो उस टाइम पे ब्रिटेन क्या करते थे, ब्रिटेन एक ऐसे देश थे इंग्लैंड, यस, उन्होंने क्या करता था, अपने इंग्लैंड के चर्च को फेवर करते थे, उसके अलावा और अदर रिलीजन्स वर डिस्क्रिमिनेटेड. स्पेन
ऑस्ट्रिया वाले कैथोलिक्स, ठीक है, लिबरल्स अपोज्ड द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स. तो यानी कि अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स मतलब होता है कि हायरार्कियल सोसाइटी होता था. हायरार्कियल मतलब राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, वो डायनेस्टिक रूल थे. और वो डायनेस्टिक रूल तो थे लेकिन उसके पास अनकंट्रोल्ड पावर था. दैट मीन्स दे वर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स. तो ऐसे ग्रुप्स जैसे कि ऐसे अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल्स, इसको भी अपोज करते थे कौन? लिबरल्स. लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स. यानी कि जो राजा महाराजाएं थे उनसे चले आने वाली जो प्रथा थी उसको भी ये लोग क्या कर रहे थे? अपोज कर रहे. दैट मीन्स ये इनका आइडियोलॉजी है बेटा, ठीक है, दिस इज इट. यानी कि ये लिबरल्स का आइडियोलॉजी है, ठीक है. ये मत, ये इस तरीके से क्या करना चाह रहे हैं, सोसाइटी में चेंज लाना चाह रहे. दैट मीन्स इनके व्यू से सोसाइटी ऐसे होनी चाहिए जिसमें रिलीजियंस को क्या मिले, सारे रिलीजियंस को इक्वलिटी का मौका मिले. यानी कि सोसाइटी शुड बी टॉलरेंट टूवर्ड्स ऑल द रिलीजियंस. राजा का जो अनकंट्रोल्ड पावर है उसमें रोक लगानी चाहिए. एंड दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स. अब गवर्नमेंट्स को, गवर्नमेंट्स से इंडिविजुअल का राइट्स कैसे बचाया जा सकता है? क्यों बचाएंगे हम लोग गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट से? तो गवर्नमेंट तो हम लोग का आज के दिन राइट्स देता है ना, वही गवर्नमेंट ही हमारा राइट को प्रोटेक्ट करता है. यस, बट एट दैट टाइम ये गवर्नमेंट का मतलब होता है किंग्स, मोनार्क. क्योंकि मोनार्क सेंसरशिप लगा रहे थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन याद है? यस, यू ऑल रिमेंबर दैट. तो गवर्नमेंट लोगों का जो राइट्स थे वो राइट्स नहीं दे रहे थे, तो उस गवर्नमेंट से हम लोगों को अपना राइट बचा के रखना चाहिए. मतलब कहने का मतलब यही हुआ कि वी वांटेड आवर राइट्स टू बी प्रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट. कल के दिन में जो अधिकार हम लोग को मिला है वो गवर्नमेंट फिर से उसको दबा ना दे, उसको मिटा ना ले, या हम लोगों को ऐसे राइट्स चाहिए जो उसको गवर्नमेंट अपोज ना कर पाए. क्योंकि किंग्स एंड क्वींस, दैट मींस मोनार्कियल जो गवर्नमेंट थी उस समय यूरोप में, वो लोगों का राइट्स एंड प्रिविलेजेस को क्या करते थे? छीनते थे. वी ऑल नो दैट फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, जो अपर क्लास वाले थे वो लोअर क्लास के लोगों को कभी भी अधिकार नहीं दिए हैं. तो ये एक प्रकार से लिबरल्स क्या है? मिडिल क्लास वाले हैं. जो मिडिल क्लास इमर्ज होके आया है वही ये क्या कर रहा है, आइडियोलॉजी को क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है. दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेंड जुडिशियरी That was independent for rulers and officials. So that means ये बात कह रहा है कि यहाँ पे अब democratic idea बात कर रहा है. लेकिन हम लोग इसको democratic, liberals democratic नहीं है, हम लोग बाद में बोलेंगे. लेकिन ideology कुछ democratic है. That means we want a representative government. That means representative elected parliamentary government. यानी कि members of parliament. समझ रहे हो? और वो members of parliament क्या होना चाहिए? लोगों के द्वारा क्या होना चाहिए? Elected होना चाहिए. और सब्जेक्ट टू लॉज इंडिपेंडेंट बाय वेल ट्रेन, यानी कि ऐसे लॉज बनने चाहिए जो इंडिपेंडेंट जुडिशियरी बनाएंगे. जुडिशियरी क्या बनाएंगे? लॉज बनाएंगे. और वो जुडिशियरी क्या होगा बेटा? इंडिपेंडेंट होगा. वो जुडिशियरी सबके लिए बराबर से क्या करेगा? लॉज को क्या करेगा? इंटरप्रेट करेगा या लोगों तक लॉज पहुंचाएंगे. ठीक है, इसमें ये जुडिशियरी के ऊपर किसी भी प्रकार के राजा महाराजा का प्रकोप नहीं होना चाहिए. ये जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सारे लोगों के लिए सम्मान होना चाहिए, और इसको राजा महाराजा लोग इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे. देट शुड बी इंडिपेंडेंट एंड जस्ट टूवर्ड्स एवरीवन. तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी का भी बात हो रहा है. यू कैन सी इट कि दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव मतलब लोगों का रिप्रेजेंट करने वाला, इलेक्टेड मतलब कौन लोग? राजा चूज करेंगे, वो तो नहीं होगा, पीपल इलेक्ट करेंगे. और जुडिशियरी वेल ट्रेंड होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए. बट ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक आइडियोलॉजी जो देख रहा है डेमोक्रेटिक वे में मैच अप कर रहा है कि ये आइडियोलॉजी जो तुम लोगों को अभी हम लोग बता रहे हैं, लिबरल्स का मैं बता रहा हूं, ये एक प्रकार से तुम लोगों का डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी को भी फॉलो कर रहा है. बट टू बी ऑनेस्ट या टू यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट कि जो लिबरल्स थे दे वेर नॉट डेमोक्रेट्स, दे वेर नॉट डेमोक्रेट्स. वाई वेर दे नॉट डेमोक्रेट्स हम लोग देखते हैं. देखो यहाँ पे मैंने लाल कलर से लिख दिया है, लाल कलर से, तो लाल कलर से तुम लोगों को आंख में दिखाई दे डायरेक्ट, इसलिए क्योंकि दे वेर नॉट डेमोक्रेट्स. दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. नो वॉट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर राइट टू वोट गिवन टू मैन एंड वुमेन.
ठीक है। अब फिर यहाँ पे तुम लोग सोच रहे हो कि सर ये डेमोक्रेट्स नहीं थे तो यहाँ पे इंडिविजुअल राइट्स का बात कर रहा है और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का बात कर रहा है, इलेक्टेड पार्लियामेंट का बात कर रहा है, तो फिर अभी डेमोक्रेट्स क्यों नहीं है? डेमोक्रेट्स मतलब बेटा राइट टू वोट जो सबको इक्वली दिया जाए, एवरी मैन एंड वुमेन शुड गेट राइट टू वोट। अब ये लोग डेमोक्रेट्स इसलिए नहीं थे क्योंकि दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट, यानी कि राइट टू वोट। यानी कि जब हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का बात करेंगे तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में सारे लोगों को अधिकार मिलता है वोटिंग का। इज दैट क्लियर? इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एवरी पर्सन और एवरी सिटीजन ऑफ अ कंट्री गेट्स राइट टू वोट। लेकिन ये लिबरल्स के आइडियोलॉजी के हिसाब से वोटिंग अधिकार तो मिलेंगे, दे फेल्ट मेन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव राइट टू वोट, शुड हैव द, यहां पे छूट गया एक चीज, राइट टू वोट। ठीक है, यानी कि ये लोग वोटिंग अधिकार दे रहे थे लेकिन केवल मेन को, वो भी प्रॉपर्टीड मेन। दैट मीन्स इस एंगल से देखे देंगे तो ये डेमोक्रेट्स नहीं है। तो हम लोग ने डेमोक्रेसी के चैप्टर में भी पढ़ाया ना कि जहां पे इलेक्शन हो रही है कोई गारंटी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी है। इलेक्शन तो हो रही है लेकिन क्या सारे लोगों को डेमोक्रेसी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है? नेवर। सो राइट टू वोट केवल प्रॉपर्टीड मेन को मिल रहे थे एंड दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर वुमेन। प्रॉपर्टीड मेन, अब वुमेन का तो बात ही नहीं है, वुमेन को तो वो लोग चाह रहे थे वोटिंग राइट ही ना मिले, वुमेन्स को तो वोटिंग राइट ही ना मिले, और वोटिंग मिले भी तो प्रॉपर्टीड मेन, यानी कि पुअर मेन का भी अधिकार नहीं है। चाहे वो वुमेन अमीर हो तब भी उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेगी, बट जो मेन प्रॉपर्टी होल्डर्स थे केवल उनको ही वोटिंग का अधिकार मिल रहा था। तो इस एंगल से देखा जाए तो लिबरल्स खुले सोच रखने वाले ग्रुप थे बट डेमोक्रेट्स नहीं थे। तो वी कैन कंक्लूड की व्हाट वेयर द आइडिया। अब देखो फिर एक कंक्लूड यहां पे करते लिबरल्स में, तो जो व्यक्ति इस प्रकार के आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे थे, यानी कि जो व्यक्ति ये आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे, वो किस ग्रुप में जाता? लिबरल्स के ग्रुप में। दे वेर सेड टू बी एज द लिबरल्स। इज दैट क्लियर? सो द पीपल और द ग्रुप ऑफ पीपल हु फॉलोड दिस आइडियोलॉजी वॉज नोन एज लिबरल्स। आई होप यू आर क्लियर विद लिबरल्स, सिंपल टू अंडरस्टैंड। जब सवाल पूछा जाएगा तो यही पॉइंट उतार देना कि लिबरल्स वॉन्टेड सोसाइटी वेयर ऑल द रिलीजन्स वॉज टॉलरेटेड, दे अपोज द डायनेस्टिक रूल्स ऑफ द मोनार्क, ठीक है, एंड दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, दे वॉन्टेड एन इलेक्ट्रिक पार्लियामेंट, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट, इलेक्टेड बॉडी, लॉज बनने चाहिए जो कि राजा के, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो राइट्स को प्रोटेक्शन मिले, बट दे वेर नॉट डेमोक्रेट्स बिकॉज दे डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ओनली प्रॉपर्टीड मेन वेर गिवन राइट टू वोट, वुमेन्स वेर नॉट काउंटेड एज द पर्सन हु वेर गिवन राइट टू वोट। दैट इज इट। ये थे लिबरल्स। तो ये लिबरल्स एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो ये आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे और इस आइडियोलॉजी के आधार पे दे वांटेड टू चेंज द सोसाइटी। सो नाउ नेक्स्ट जो ग्रुप थे वो थे रेडिकल्स। सो रेडिकल्स रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो देखो रेडिकल्स वाले ये चाह रहे थे कि एक देशा, एक नेशन इन विच गवर्नमेंट वॉज बेस्ड, एक नेशन जो होता है बेटा उसमें जो रूल करने वाले गवर्नमेंट जो होती है बेटा वो किसके आधार पे बने? मेजोरिटी के आधार पे बने, यानी कि जो भी गवर्नमेंट को ज्यादा लोग क्या देंगे, मेजोरिटी से सपोर्ट करेंगे, वही चीज क्या करेगा, देश का गवर्नमेंट बनाएगी। सो ये पहला सोच था रेडिकल्स का। दूसरे दे वर समवट लाइक लिबरल्स बट देखो उनसे कई ज्यादा है। मेनी सपोर्टेड वुमेन सफ्रगेट मूवमेंट्स, यानी कि ये लोग क्या थे, मोर डेमोक्रेट्स थे, दे वेर मोर डेमोक्रेट्स देन लिबरल्स। सिंपल सी बात है, दे वेर मोर डेमोक्रेट्स देन लिबरल्स क्योंकि वुमेन सफ्रगेट मूवमेंट्स को क्या किया है, सपोर्ट किया है, यानी कि वुमेन सफ्रगेट मूवमेंट मतलब राइट टू वोट फॉर वुमेन्स।
तो वुमेन्स के राइट टू वोट को सपोर्ट कर रहा है, तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि वो सारे लोगों का क्या चाहता है, वोटिंग राइट्स चाहता है। दे वांटेड कि ऑल द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री शुड गेट राइट टू वोट। ये आइडियोलॉजी से कौन बिलीव करते थे, रेडिकल्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात एक चीज बता देते हैं कि लिबरल्स जो थे मिडिल क्लास के जो अपर स्ट्रेटा के लोग थे, ठीक है, मिडिल क्लास में थोड़ा अमीर लोग। अब उसी मिडिल क्लास में जो लोअर स्ट्रेटा के थे, गरीब लोग थे, वो कौन थे, रेडिकल्स थे। बिकॉज वो लोगों को किसी भी जगह पे इक्वालिटी नहीं मिलता था, तो इसीलिए ये लोग इक्वालिटी का बात यहां पे अपनी आइडियोलॉजी पे कह रहा है। अनलाइक लिबरल्स, दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। तो लिबरल्स को छोड़ दो, लेकिन अब ये रेडिकल्स जो थे, ये लोग एक प्रकार से यहां पर शब्द आ रहा है सोशलिस्ट। हम लोग क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट मतलब क्या है कि रिसोर्सेस सब में क्या होना चाहिए, बटनी चाहिए। तो एक प्रकार से थोड़ा सोशलिस्ट थे, देखो, क्योंकि दे अपोज प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स। लैंड ओनर्स अमीर लोग हैं, तो उनको जो सुविधाएं या जो प्रिविलेजेस मिलते थे, जो सहूलियत मिलते थे, उसको क्या करते थे, ये लोग अपोज करते थे। वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स, फिर बात आ रहा है यहां पे, वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स को भी क्या करते थे, अपोज करते थे। दे वे नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी पे उतना एग्जिस्टेंस, यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट सरकार है, देश चल रही है, प्राइवेट प्रॉपर्टी भी होंगे, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। प्राइवेट प्रॉपर्टी को उतना अपोज नहीं करते थे, लेकिन एक व्यक्ति के हाथ में बहुत सारा प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो ऐसे चीजों पे वो लोग क्या करते हैं, अपोज करते थे। यानी कि बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी बहुत सारे लोग के पास होता है, तो यहाँ पे 25 इंसान है, तो 25 इंसान का अपना अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंसान है, उसके पास 25 प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो वो क्या हो जाएगा कि सारा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक व्यक्ति के पास जा रहा है। तो ऐसे चीजों पे क्या अपोज करते थे, रेडिकल्स वाले अपोज करते थे। ये जैसे लिबरल्स वाले डायनेस्टिक पावर्स को, रूलर्स को अपोज करते थे, ये लोग भी अपोज करते थे, ठीक है। बट सिंपल सी बात है, ये लोग लिबरल से ज्यादा भुगते हुए लोग थे, समझ रहे हो ना, लोअर स्ट्रेटा के थे, इसलिए ज्यादा भुगत रहे थे क्योंकि गरीब थे, तो इसलिए ये लोग ज्यादा इक्वालिटी का बात करता है लिबरल्स के कंपैरिजन में। इज दैट क्लियर? लिबरल्स के कंपैरिजन में ये लोग थोड़ा ज्यादा इक्वालिटी का बात करता है, क्योंकि लिबरल्स वाले डेमोक्रेट्स नहीं थे, यही से पता चलता है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा इक्वालिटी पे ज्यादा विश्वास नहीं करते थे। इक्वालिटी के विश्वास करता तो सारे लोगों को वोटिंग राइट्स का डिमांड करता, लेकिन वो लोगों ने सारे लोगों का वोटिंग राइट्स का डिमांड नहीं किया है, बट रेडिकल्स ने किया है। और खास करके ये ही लाइन बोलता है कि वो लोग इक्वालिटी को क्या करता था, प्रेफर करता था, क्योंकि वो लोग ने भी वुमेन्स के लिए सफ्रगेट मूवमेंट्स में क्या किया है, सपोर्ट किया है। तो ये ग्रुप जो इस प्रकार के आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकल्स। समझ रहे हैं? इज दैट क्लियर? अब ये रेडिकल्स भी समाज में चेंज लाना चाहता है, बट दे वॉन्टेड टू चेंज द सोसाइटी रेडिकली, तुरंत, झटपट, जल्दी चाहिए, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया है, रेडिकल्स बोला गया है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स अ ग्रुप कि अब भाई ये दोनों आइडियोलॉजी को क्या करते थे, सपोर्ट नहीं करते थे समवट। देखो एक बात बोले, लिबरल्स और रेडिकल्स समवट दे वर सिमिलर, दे आर वेरी मच सिमिलर, क्योंकि दोनों इक्वालिटी का बात कर रहा है एक प्रकार से। बट अंतर इतना है कि लिबरल्स वाले क्या है, थोड़ा अनडेमोक्रेटिक है इन टर्म्स ऑफ रेडिकल्स। रेडिकल्स वेर मोर डेमोक्रेट्स एंड मोर सोशलिस्ट। वो लोग रिसोर्सेस के बारे में भी बात किया है, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक इंसान के हाथ में कंसंट्रेटेड है, वैसा अच्छा नहीं लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स तो एक ही रहेंगे ना बेटा, बिल गेट्स अमीर आदमी है, एक ही ना रहेंगे, बहुत सारा रहेंगे बिल गेट्स चलेगा नहीं ना। तो इस प्रकार के व्यक्ति को वो लोग हेट करते थे, यानी कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही व्यक्ति के पास 25 गो इंडस्ट्री या 25 गो फैक्ट्री अपने अधीन में है, तो वैसे लोगों को क्या करते थे, ये लोग अपोज करते थे, जो कि रेडिकल्स थे। अब आता है सबसे महान लोग, वो है कंजर्वेटिव्स, ठीक है। अब ये ऐसे ग्रुप थे, कंजर्वेटिव्स वेर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। ये रेडिकल्स और लिबरल्स के दोनों आइडियोलॉजी को ही फॉलो नहीं करते थे, अपोज करते थे कि भाई रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स वाले लोग होने ही नहीं चाहिए, सॉरी रेडिकल्स एंड लिबरल्स वाले लोग समाज में होने ही नहीं चाहिए, ऐसे सोच रखने वाले ग्रुप थे। और नाम से ही पता चल रहा है, कंजर्वेटिव्स। यस,
कंजर्वेटिव्स, मतलब कंजर्व करके बचा के रखना है, जो सोसाइटी में चल रहा है भाई उसको चलने दो भाई, तुम लोगों का है ला, वो क्या बोलते हैं कि तुमको क्या चाहिए, रेडिकल्स चाहिए, क्या है लिबरल्स चाहिए, व्हाई डू वी नीड भाई, जो चल रहा है चलने दो, इसमें क्यों, क्योंकि ये लोगों को बेनिफिट है ना बेटा, क्योंकि ये लोगों को क्या है बेनिफिट है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे आता है बेटा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या होता है, वी सॉ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में मोनार्क को हटा दिया था, तो मोनार्क को सपोर्ट करने वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव्स बोलेंगे, एक प्रकार से नोबल्स, एरिस्टोक्रेट्स, ये सब क्या थे, कंजर्वेटिव्स थे। तो वो लोग नहीं देखा था कि भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में फ्रांस के मोनार्क हट गए थे, लुई 16 गुलेटाइन हो गए थे, यस। तो अब इससे लोगों के मन में क्या आ गया था, एक रास्ता खोल गया था कि अब अदर यूरोपियन स्टेट्स भी क्या करेंगे, कंट्रीज, या कंट्रीज नहीं बोलेंगे, अदर यूरोपियन मोनार्कियल डायनेस्टिक एम्पायर वगैरह के लोग अब क्या करेंगे भाई, वो लोग भी किसका बात करेंगे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी, राइट टू वोट। तो हाउएवर इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। तो इसीलिए पहले तक तो कोई दिक्कत नहीं था, पहले तक तो लिबरल्स रेडिकल्स को दबा के रख रहे थे कंजर्वेटिव्स। जब फ्रांस में ये घटना हुई कि फ्रांस के पीपल ने मोनार्क को जब ओवरथ्रो किया, तो एट द टाइम अदर कंजर्वेटिव्स के मन में भी ये आ गया कि भाई फ्रांस वाले हटा दिए तो अब मुझको भी हटना पड़ेगा। तो भाई वो लोग मतलब क्या बोलते उसको, बेइज्जती से हटने से अच्छा है कि इज्जत से हटे ना, बेइज्जती होके निकलने से अच्छा है कि इज्जत से पहले ही अपना रास्ता निकल ले। तो कंजर्वेटिव्स के मन में यही चीज आया कि भाई ओके फ्रांस में चेंज आया है, कल के दिन में यहां पे भी अदर यूरोपियन स्टेट्स में भी क्या सकता है, चेंज आ सकता है। तो वो लोग ने बोला कि यस, उनके माइंड में चला गया कि चलो चेंज आना ही है। तो लोगों को एक आइडिया मिल गया था ना बेटा कि हम लोग को अब लिबर्टी चाहिए, राजा का अत्याचार ज्यादा हो गया था समाज में, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास वाले में बहुत अंतर आ रहे थे, तो मिडिल क्लास वाले ने बहुत डिमांड करना शुरू कर दिया, आज एक दिन दबाओगे, कल दबाओगे, परसों भी दबाओगे, लेकिन चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन फिर आएगा, महीना हो जाएगा, साल हो जाएगा, एक ना एक दिन तो उसको हटा के ही रहेगा। तो यही चीज है, अर्लियर सेंचुरी कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ चेंज, पहले तो बहुत चेंज को अपोज कर रहे थे कंजर्वेटिव्स बहुत चेंज को अपोज कर रहे थे, लेकिन अब वो लोग को भी पता चल गया था कि भाई चेंज तो अब आना ही है, आज नहीं तो कल आएगा, ये लोग हमको अपोज करेंगे ही, एक ना एक दिन मुझे निकाल के ही रहेंगे, तो उससे अच्छा है कि हम लोग क्या करेंगे, चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, विल एक्सेप्ट द चेंज। सो बाय द 19th सेंचुरी दे एक्सेप्टेड that some change was inevitable, but believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. तो वो लोग ने माना कि भाई चलिए, अब वो लोग को मन में डर था, तो मैंने वही बात बोला ना, बेइज्जत होने से क्या है कि इज्जत से क्या हो जाए, चले जाए। तो यही चीज, तो by the 19th century में वो लोग ने एक्सेप्ट कर लिया कि समाज में कुछ चेंजेस चाहिए, वो तो अनिवार्य है या होना ही था, तो इसलिए दे बिलीव्ड कि चलो हम लोग चेंज के लिए तैयार है, वी आर रेडी फॉर द चेंज। बट हमारे पास्ट को क्या दोगे तुम लोग, इज्जत दोगे। क्यों पास्ट का बात कर रहे हैं, क्योंकि दी आर दी हायर क्लासेस ऑफ दी सोसाइटी, तो वो जो लोग का, वो लोग का क्या बोलते हैं, विरासत है, जो मिलके आया है वो लोग का विरासत, लेगेसी को क्या करना है, हम लोगों को क्या करना है, रेस्पेक्ट करना है। कल के दिन में राजा को लात मारते नहीं जाना है, ठीक है, कल राजा थे तो आज नहीं है, तो उनको थोड़ा इज्जत तो कम से कम दो कि पहले क्या थे, राजा थे। हमारे समाज को भी मतलब इज्जत से देखो, इंसल्ट नहीं करना है, भले ही हम लोग ने अत्याचार किया है, आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन अब हम लोग हट रहे हैं, इसका मतलब तुम लोग हमारे ऊपर अत्याचार मत करो, एक प्रकार का ऐसे आइडियोलॉजी, यानी कि समझ रहे ना, कंजर्वेटिव का आइडियोलॉजी। सो दे हैड टू बट बिलीव दैट द पास्ट हैड टू बी रेस्पेक्टेड एंड चेंज हैड टू बी ब्रॉट अबाउट थ्रू अ स्लो प्रोसेस। तो वो लोग ने बोला एक ही बार में तो चेंज होना बहुत दिक्कत है, सिस्टम है, वी शुड चेंज, एक प्रोसेस है, चलो इसमें प्रोसेस से जाएंगे, चेंज की ओर बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे बदलेंगे। अब देखो यहाँ पे ये तीनों का आज हम लोग ने देख लिए, लिबरल्स, कंजर्वेटिव एंड रेडिकल्स, तो तीनों में तीनों का आइडियोलॉजी देख लिए। तो सबसे अलग वाला ये कौन थे, कंजर्वेटिव थे, क्योंकि ये कंजर्वेटिव दोनों आइडियाज को क्या करते थे, अदर ग्रुप्स को अपोज करते थे। तो जो इस प्रकार के आइडियोलॉजी फॉलो करते थे उसको क्या बोलते थे,
कंजर्वेटिव। तो लिबरल्स वाले चाह रहे थे चेंज और रेडिकल्स वाले भी चेंज, दोनों तो चेंज ही चाह रहे थे ना भाई। क्या बोलते हैं, एक कहावत है ना हिंदी में, समथिंग का मेरा दुश्मन का दुश्मन मेरा दुश्मन, ऐसा कुछ वाला है ना लाइन, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त। यस, दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, ठीक है। अब वही बात है, अब लिबरल्स वाले भी कंजर्वेटिव का दुश्मन है और रेडिकल्स वाले भी कंजर्वेटिव का दुश्मन है, दोनों दुश्मन है। तो अब लीडर लिबरल्स और रेडिकल्स वाले तो कम से कम एटलीस्ट एक समय में दोनों दुश्मन, मतलब आइडियोलॉजी अलग अलग हो लेकिन दोनों कंजर्वेटिव को हटाना चाह रहा है क्योंकि दोनों का दुश्मन एक ही है ना, कहने का मतलब ये हुआ दोनों का दुश्मन एक ही है। तो नाउ इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी कि ये रेडिकल्स कंजर्वेटिव्स ने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कि जिस आधार पे समाज में क्या आया है, चेंज आया है। इज दैट क्लियर? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड टुडेज चैप्टर, द थ्री टॉपिक्स, दैट इज लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। तो ये तीनों का आइडियोलॉजी हम लोग ने फॉलो समझ में आया, ये तीनों का आइडियोलॉजी, ठीक है। अब ये जब तीनों का आइडियोलॉजी समझ में आ गया है तो ये तीनों का आइडियोलॉजी ने कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है हमारे समाज को चेंज करने में, नॉट हमारे यूरोपियन सोसाइटी को चेंज करने में। इज दैट क्लियर? अब हमारे में तो यहाँ पे इंडियन सोसाइटी देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट नहीं था, यहाँ पे तो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, अलग था। यस, बट कॉन्सेप्ट एक है बेटा, भले वहाँ पे क्लास पे है या पे कास्ट पे है, कॉन्सेप्ट एक ही है भाई। वहां पे भी डिविजन है, यहाँ पे भी डिविजन ही हो रहा है। ये सर नो, कॉन्सेप्ट एक है। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी डूइंग दैट, इंडस्ट्रियल चेंज आया है सोसाइटी एंड द इंडस्ट्रियल चेंज जो आया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो अब ये उस दौरान ये कंजर्वेटिव आइडिया, ये लिबरल आइडियाज, रेडिकल आइडियाज कैसे काम करते हैं। इज दैट क्लियर? टिल देन थैंक यू फॉर टुडे, दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।